हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। करियर अड्डा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम धर्म और आप देख रहे हो मेरा चैनल करियर अड्डा। जो दोस्त फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए कॉर्नर जो सब्सक्राइब रेड कलर का लिखा हुआ उस पर क्लिक करो, ईमेल आईडी थ्रू लॉग इन हो जाओ और मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। आज के वीडियो का एक फैंटास्टिक टॉपिक ये है कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्निकल पढ़ाई वर्सेस नॉन टेक्निकल पढ़ाई। मतलब कि टेक्निकल कोर्स आप करते हो तो फायदेमंद है या नॉन टेक्निकल कोर्स करते हो तो फायदेमंद है, या दोनों में क्या है, क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं दोस्तों कि टेक्निकल पढ़ाई के बारे में। जैसे मैं बता दूं कि मैंने भी बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ है, 5 साल हो गए हैं। काफ़ी लंबे टाइम से जॉब भी की कर रहा हूँ और फिर आप लोगों के साथ अपना आइडियाज़ भी शेयर कर रहा हूँ। तो जो टेक्निकल पढ़ाई है, जो मेरे हिसाब से है, जैसे जो लोग का मन टेक्निकल पढ़ाई में लगता है, मैं सबसे पहले बता दूं वही टेक्निकल पढ़ाई में है। क्योंकि टेक्निकल पढ़ाई में माइंड गेमिंग बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ में टेक्निकल 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 दिमाग पे जोर देना होता है, सोचना होता है कि नहीं यार ये करूं या ना करूं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है टेक्निकल पढ़ाई में। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल में हो तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आप नॉन टेक्निकल वाले बंदे जैसे BSc जो कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, और मतलब जो भी हैं कॉमर्स वाले बंदे हैं, तो जो टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं कोरिलेट नहीं करते हैं वो बंदे निराश मत हों कि मतलब मैं उनके बारे में गलत नेगेटिव रिव्यू दे रहा हूँ। जबकि आप देखोगे कि नॉन टेक बंदे जो होते हैं, बहुत सारे बंदे होते हैं नॉन टेक ही होते हैं। मैं बता दूँ, एक बंदी जो थी अभी टीना डावी को आपने देखा होगा कि IAS में क्लियर किया था, वो उन्होंने BA किया हुआ, BCom BA ऐसे नॉर्मल नॉन टेक कोर्सेज किए थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा था उसी टाइम IAS क्लियर करने वाले BTech किए हुए थे, जो कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचों से थे और बहुत अच्छा मतलब वो उन्होंने अपना क्रैक किया था। तो टेक्निकल कोर्स अपने में एक अलग मायने रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जैसे दो बंदे हैं और दोनों बंदे, अगर एक बंदा BSc करता है और एक बंदा BTech करता है या पॉलिटेक्निक करता है, तो एक बंदा जो BSc करने गया है वो बहुत टॉपर टाइप में बंदा, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, और एक बंदा जो BTech करने गया नॉर्मल टाइप में। लेकिन जब दोनों पास आउट होते हैं BTech और BSc वाला, तो आप देखोगे दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। BTech वाला जो बंदा होता है उसमें मतलब अजीब अजीब क्या मतलब अलग तरह से सब कुछ अलग हो जाता है, थोड़ा सा नॉलेजबल लगता है, और जो BSc वाला बंदा होता है थोड़ा नॉलेज तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को दबा के रखता है। BTech में होता है कि फ्रैंक थोड़ा हो जाता है, लेकिन जो पढ़ाई उसने की है वो अपने में अच्छा है, जो पढ़ाई BTech वाले ने की है वो अपने में अच्छा है। तो दोनों एक अलग कॉन्सेप्ट है। और जैसे कि आप टेक्निकल पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो उसमें बहुत सारे चीज़ें पॉइंट होती हैं कि जैसे आप किसी दबाव में टेक्निकल कोर्स करने मत जाना। कोई कहे कि नहीं यार टेक्निकल कोर्स कर लो तो अच्छी जगह मैरिज हो जाएगी या ये है वो, अपने रेपुटेशन बरकरार करने के लिए मत जाना प्लीज़, क्योंकि टेक्निकल कोर्स में आप गए तो कहीं ना कहीं आप अगर अच्छे से नहीं किए तो परेशान हो जाओगे। इसके विपरीत मैं नॉन टेक्निकल कोर्स के बारे में बात करता हूँ कि नॉन टेक्निकल कोर्स भी अपने आप में बहुत बड़े ब्रह्मास्त्र हैं, और अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आप आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। यार BA करके BCom करके CA बनते हैं लोग, BA करके IAS अफसर बनते हैं, और सारे अफसर होते हैं LIC में, DO होते हैं, दुनिया भर के मतलब ऑफिसर्स की वैकेंसीज निकलती रहती है, क्लर्क की वैकेंसीज निकलती रहती। तो नॉन टेक वाले बंदे भी कम नहीं है किसी से, बस हम लोग जो मार्केट में अफवाह फैला दिए हैं कि नहीं यार नॉन टेक के बंदे कुछ नहीं कर सकते, नॉन टेक पढ़ाई तो बिल्कुल बेकार है। मुझे बड़ा दुख सा फील होता है यार कि BA करके जो बंदा आता है उनको लोग बड़े हे नज़रों से देखते हैं, अरे यार इसने तो BA किया है बेकार होगा। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि यार उसने BA किया तो वो बेकार है, और आपने BTech कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, ITI कर लिया तो बहुत महान हो गए वो। यार प्लीज़ ऐसा आप अपने माइंड में कभी मत रखिएगा। जो नॉन टेक के बंदे होते हैं वो भी बहुत सॉलिड बंदे होते हैं। किसी का मन टेक्निकल में लगता है, किसी का मन नॉन टेक्निकल में लगता है, तो ये डिपेंड करता है माइंड टू माइंड, पर्सन टू पर्सन कि हाँ यार क्या वो चाहता है, क्या हम चाहते हैं। अगर मान लो सारे लोग इंजीनियर बन जाए, सारे लोग डॉक्टर बन जाए, सारे लोग मतलब एक जैसे बन जाए, तो अदर काम कौन करेगा। आखिर कुछ लोग तो होंगे जो टीचिंग लाइन में जाएंगे, जो ऑफिसर्स बनेंगे, और कुछ लोग होंगे जो
सोसाइटी में आएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे, नेता बनेंगे, तो सबका अलग अलग प्रायोरिटी है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ इन दोनों कोर्सों में, मेरा मतलब मेन ये वीडियो बताने का मकसद यही था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन टाइप में आपको बना होगा इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दोनों कोर्सों में जिस कोर्स में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा आपका मन जो करे, आपका दिल जो करे कि नहीं आपको टेक्निकल में जाना, तभी आप टेक्निकल में जाओ, नहीं तो नॉन टेक में ज्वाइन करें तो नॉन टेक में जाओ, और जहाँ पे जाओ वहाँ पे धुरंधर बनो, मतलब उस एरिया के मास्टर बन जाओ, उस एरिया में इतना अच्छा करो कि लोग कहें नहीं यार ये चीज़ बहुत बेस्ट है। और अगर जब जिस दिन आपके दिमाग में ये आ गया कि नहीं ये चीज़ बेस्ट है, उस दिन आप जो चाहोगे वो कर ले जाओगे। तो बस वीडियो बनाने का यही मकसद था। बहुत सारे लोग थे, मैं देखता था कि सर ये बढ़िया है या वो बढ़िया है, ये कर लूँ वो कर लूँ, इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ा और आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, और वीडियो को यार पूरा देखो आप लोग, मैंने बहुत सारे लोग देखा आधा आधा वीडियो देख करके छोड़ देते हो, तो वीडियो को पूरा देखो, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करो वीडियो को, और शेयर करोगे तो बहुत सारे लोगों तक हमारी बात पहुंचेगी, हम एक अच्छी कम्युनिटी में उभर कर आएंगे और एक बड़े मुकाम पे पहुंचेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कोई भी कन्फ्यूजन में हो कमेंट बॉक्स में जाएं कमेंट करें, और मैं कमेंट पढ़ तो नहीं पाता हूँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है पर डे, कम से कम 500 लोगों का कमेंट तो आता ही आता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों का कमेंट थोड़ा बहुत मैं देख लेता हूँ, नई वीडियो पे जो लेटेस्ट कमेंट पढ़ते हैं मैं उनको ज़रूर देखता हूँ और देख के लेता हूँ कि किसका कमेंट है जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं ट्राई करता हूँ उसी टॉपिक पे वीडियो बनाए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।